बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सिक्स, होप सो यू ऑल आर वेल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। In this unit, students, we will learn about how to use variables to represent numbers and mathematical statements, also about algebraic expressions and to add and subtract algebraic expressions, and the last one, to simplify and evaluate algebraic expressions. First, let's understand what is it mean by algebra. Students, algebra is the study of mathematical symbols and rules for manipulating these symbols. Now the question is, where does the word algebra come from and who introduced it? Students, here you can see that the Arab mathematician Al-Khwarizmi was one of the first to study algebraic expression. He wrote a book, Hisab al-Jabra al-Muqabla, Calculations by Restoration and Deduction, which describes a method of solving algebraic equations. Students, इस book में describe किया गया है how to solve algebraic equation. So let's move towards the detailed concepts. Here students, you can see their sentences and statements. We are familiar from the word sentence, that is a set of words that is complete in itself is called sentence. Here is the definition of sentence in terms of mathematics, that is a sentence is a set of words or symbols that conveys some meaning. Students, words or symbols का सेट जो कि कोई मैसेज कोई मीनिंग कन्वे करे, डेट इज कॉल्ड सेंटेंस। हेयर आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम 1 to 8। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नंबर 1, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स में कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और कुछ फॉल्स हैं और कुछ मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। लेट्स सी विच वन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड वन, गो ऑन। अब गो ऑन हम इसे पॉजिटिव मीनिंग में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। वेयर टू गो डिपेंड इज डैट। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, नॉट परफेक्ट ट्रू और फॉल्स। थर्ड वन इज, वाई आर यू सो ग्लैड। सो इसमें भी हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, कि आप इतना खुश क्यों हैं, मीन्स इधर बाई डूइंग अ गुड वर्क और अ बैड वर्क। So this statement we can't say it is true or false. Give me a pen. अब हमारे पास ये जो statement है give me a pen, ये भी क्या है, ना तो perfect true है और ना false है, means के may be true और may be false. A liquid flows from a lower level to a higher level. Students, we know that liquid flow from higher level to lower level, not lower to higher. So ये statement clear है, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। फोर इज लेस देन सिक्स, फोर जो है वो लेस देन सिक्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है। नाउ टू एंड टू मेक फोर, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। सिक्स इज ग्रेटर देन एट, वी नो दैट सिक्स इज नॉट ग्रेटर देन एट, विच मीन्स डैट दिस सेंटेंस इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। सेंटेंस हमारे पास विच कन्वे सम मीनिंग, और अगर स्टेटमेंट की बात करें तो अगर हमारे पास सेंटेंसेस इधर ट्रू और फॉल्स हो, देन डैट विल बी कॉल्ड स्टेटमेंट। अ सेंटेंस डैट इज इधर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज स्टेटमेंट। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, डैट वी हैव ऑलरेडी सीन अबव एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, दस अ स्टेटमेंट मस्ट बी इधर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ और नीदर। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 इज, He is the president of the synth club. No one can say whether the sentence is true or false unless the word he is replaced by the name of a person. Students, इस example में कोई name mention नहीं है जिसके according हम बता सकें कि इधर ये statement और sentence जो हमारे पास है वो true है या फिर false है। अगर यहाँ पर कोई name mention हो, then हम कह सकते थे कि statement true है या फिर false है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम ओपन स्टेटमेंट्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो हेयर टू मोर एग्जाम्पल्स गो थ्रू इट।
Here is the definition given about open statement. In an open statement, it is not immediately known whether the statement is true or false because not all the information is available. स्टूडेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, जिसे हम ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि इधर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, देन दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट. एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पार्ट नंबर वन, 3+- इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट. पार्ट नंबर टू में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई और थ्री में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई. इट मीन्स दीज आर कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट्स. नाउ टू मेक द अबव सेंटेंसेस हैव अ मीनिंग, अ नंबर मस्ट रिप्लेस द डैश इन ईच केस. स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे किसी नंबर को रिप्लेस करेंगे, देन वी कैन फाइंड दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. नाउ लुक एट 3+- इज इक्वल टू 7. इफ़ द डैश मीन्स ये जो हमारे पास बॉक्स है, इसमें अगर हम किसी नंबर को रिप्लेस करेंगे, लेट्स सी, अगर हम नंबर 2 को रिप्लेस करते हैं तो आंसर हमारे पास 3+2 5 होगा, 7 नहीं होगा. वी शोज द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गए. इफ़ वी रिप्लेस इट विद द नंबर 5, दैन 3+5 विल बी 8. वी शोज दैट द स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. एंड इफ इट रिप्लेस द नंबर 4, दैन 3+4 इज इक्वल टू 7. द स्टेटमेंट इज ट्रू. A number that makes an open statement true is said to satisfy this statement. Students, अगर हम यहाँ पे 4 number को add करते हैं, then it means the number 4 satisfy the statement. Now, only one number can be used in an open statement to make it a true. यहाँ पे आप देख सकते हैं, just one number जो है वो use हुए हैं to make the statement true. Students, here are some more examples. That are 7+- is equal to 12. These are the open statements. You can see here is not complete information, and that word which is replaced by replaced here is given here 5, 24, and 9, so on, number which correctly fits in dash. Now corresponding true statements, और हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी वो ये होंगी. नाउ यू कैन सी डैट 7+- इज इक्वल टू 12. अगर हम यहाँ पे नंबर 5 को रिप्लेस करें, देन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, एंड डैट इज 7+5 इज इक्वल टू 12. 4 × 6 इज इक्वल टू डैश. अगर हम यहाँ पे 24 को रिप्लेस करें, 4 × 6 इज इक्वल टू 24, देन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू. एंड हेयर यू कैन सी डैट डैश -4 इज इक्वल टू 5. स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 9 को रिप्लेस करते हैं, मीन्स के 9 को यहाँ पे पुट करते हैं, देन 9 - 4 इज इक्वल टू 5. बट हेयर इज मैंशन 9 - 5 इज इक्वल टू 4. सो मेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट. 9 - 4 is equal to 5. Here should be 4, then the answer will be 5. Now students, these numbers shows that 5, 24, and 9 are the numbers which satisfy the three statements respectively. These numbers satisfy the statements respectively. In algebra, in place of dash in each sentence, a letter from the English alphabet is used. Students, अगर हमारे पास ये हम इस बॉक्स की बजाय यहाँ पे कोई वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हैं, और वेरिएबल हमारे पास अननोन होगा, मीन्स के वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड नहीं होगी, जिसे हम यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसके रिप्लेसमेंट में हम ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे हम 4 × 6 इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, और एक्स हमारे पास बॉक्स की रिप्लेसमेंट में, मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, बॉक्स की रिप्लेसमेंट में जस्ट अननोन वेरिएबल हम सिलेक्ट कर सकते हैं. Now you can see here, what is a variable? A variable is a symbol that represents a quantity, the value of which is not known. Students, variable उस quantity को represent करते हैं जिसकी value unknown होती है. Now observe some statements and variables below. यहाँ पे हमारे पास कुछ statements और variables given हैं, जैसे कि 7+x is equal to 12. अब x क्या है? x is a variable, लेकिन x की जो value है वो unknown है, means कि x की value हमें नहीं मालूम. सो 7 and 12 आर द कॉन्स्टेंट. ये वैल्यूज हमारे पास फिक्स हैं और सेपरेट भी अपीयर हो रही हैं, एंड बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट, एंड एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल, और वेरिएबल इज अननोन. 4 × 6 इज इक्वल टू वाई. हेयर 4 and 6 आर द कॉन्स्टेंट्स, एंड वाई इज अननोन वेरिएबल. वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एट द नेक्स्ट पेज. And also the next one is z - 4 is equal to 5. Here 4 and 5 are the constant, and z is unknown variable.
Now here is the definition of constant. A term that has a fixed value and appears separately from a variable is called a constant. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस पेज पे इसके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग बताया कि कॉन्स्टेंट आर दैट फिक्सड वैल्यू एंड अपीयर सेपरेटली इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो वट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? वी विल स्टडी हेयर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट यू कैन सी दैट ट्रांजिशन फ्रॉम अरिथमेटिक टू एल्जेब्रा. स्टूडेंट्स वट इज़ अरिथमेटिक? Arithmetic is a branch of mathematics that consists of study of numbers, especially the properties of traditional operations on them. As you can see here, the four fundamental operations, addition, subtraction, multiplication and division, together with numeral, are used in arithmetic to tackle various problems. Now in algebra, the letters A, B, C, X, Y, Z are also used in addition to numerals. The letters used in algebra may represent any number in general. Students, hum अलजेब्रा में जो लेटर्स है उसको हम अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. मीन्स अल्फ़ाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जी जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन टू न्यूमरल्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? हियर यू कैन सी दैट एनी न्यूमरल वेरिएबल और कम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस that are addition, subtraction, multiplication or division is known as an algebraic expression. Students, agar numeral or variable connected hain by fundamental operations, maybe addition, subtraction, multiplication or division, then that expression will be called algebraic expression. Let's see, here is the example. I have write it here 3x² + 5x + 1. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यू कैन सी हेयर एक्स स्क्वायर एंड एक्स. स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर कॉल्ड द वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स आर अननोन. अननोन वेरिएबल के साथ जो वैल्यू गिवन होती है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट. मींस 3 इज कोफिशिएंट एंड 5 इज आल्सो कोफिशिएंट. एक्सेप्ट वेरिएबल अगर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है एंड हैव अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट. 1 इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट. ये टर्म्स एड प्रोसेस के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है. Let's see, here is the definition of term. The number or letters separated by operations in an algebraic expression are called terms. Students, numbers या फिर letters जो के operators के according, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास operators जो operations हैं वो addition के हैं, उनके according अगर connected हैं so that are called the terms. Means here is one term and this one is second and this one is the third term. Also here are the examples, that is thus x a plus b, 2a - 3b² x plus 2y - 2z, a plus b c are all algebraic expression. Students, ये हमारे पास algebraic expressions हैं. a and b are the terms of expression a plus b. यहाँ a plus b में जो terms हैं वो a और b हैं, as here is mentioned a and b. और 2a - 3b² में जो terms हैं वो हमारे पास 2a और -3b² हैं. Are the terms of the expression 2a - 3b² and so on. Here is the table given. You can see here expressions are mentioned and also the terms are mentioned. So go through it by yourself. We will move towards the definition of coefficient as I have explained about it. The symbol or number appearing before the variable used in the algebraic term is called its coefficient. Students, variable ke saath jo hamare paas number hota hai, jo variable ke before appear hote hain, that is called the coefficient. As in 2xy, 2 is the coefficient of xy. xy are the variables and 2 is appeared just before the variable, so 2 is called coefficient. Also in -7abc, -7 is called coefficient of abc. Now let's see what are the like terms and what are unlike terms. Students, if two terms differ only in their numerical or literal coefficients or do not differ at all, they are called like terms. Students, अगर हमारे पास given terms में variable same हो, then that terms will be called like terms. और अगर given terms में variables same ना हो, then that will be called unlike terms. As you can see, here is the example, that is the term 2a, 5m और -4a are like terms. यहाँ पे variables same है, that is why these are called like terms. Because they all have the same variable I dot E A. The term XY, -YX and 3XY are like terms because they have the same variable. यहाँ पे भी हमारे पास ये like terms हैं because variables XY same हैं. But 2A B
माइनस फोर भी सी एंड ए सी आर अनलाइक टर्म्स. स्टूडेंट्स ये अनलाइक टर्म्स हैं बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है. यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी सी है और यहाँ पे ए सी है. दे हैव डिफरेंट वेरिएबल्स सो दिस विल बी कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स कैन बी कम्बाइंड टू गिव अ सिंगल टर्म बाय परफॉर्मिंग दी ऑपरेशंस ऑन दी कोफिशिएंट. स्टूडेंट्स अगर हमारे पास लाइक टर्म्स गिवन हो सो हम ईजीली ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. एज यू कैन सी हेयर 2a minus 3a plus 5a gives a single term 4a by performing 2 minus 3 plus 5 is equal to 4. Students, हमारे पास a जो है variable वो सब में same है, means के common variable हैं. So हम subtraction और addition का process apply कर सकते हैं, means 2 minus 3 plus 5. 2 minus 3 will be minus 1 and minus 1 plus 5 is equal to 4. So the answer will be 4 and as the variable is common, so the answer will be 4a. The common variable a is placed after the coefficient. यहाँ पे after the coefficient common variable replace होगा, that will be 4a. Addition or subtraction cannot be performed with unlike terms. अगर unlike terms हो then addition or subtraction process apply नहीं कर सकते because उसमें हमारे पास जो variables हैं वो different होते हैं. So students, here you can see that maths jam. Try to find out whether the following statements are true or false. हमारे पास यहाँ पे 8 स्टेटमेंट्स गिवन हैं. अब हमने ये फाइंड करना है विच वन इज़ ट्रू एंड विच वन इज़ फॉल्स. स्टूडेंट्स ये इंटरेस्टिंग है और आई थिंक सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सो लेट्स टेक जस्ट टू टू सॉल्व. फर्स्ट वन इज 6 इज़ एन इवन नंबर. सो स्टूडेंट्स इधर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. 6 जो है वो इवन नंबर है. यस ऑफ कोर्स 6 इज़ एन इवन नंबर विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सेकेंड वन, वन इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्टूडेंट स्मॉलेस्ट होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, वी नो दैट. सो हेयर इज मैंशन 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. नो, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो जीरो है. देन इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टूडेंट्स थिंक्स अबाउट दी नेक्स्ट ऑनवर्ड पार्ट्स एंड टेल मी विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स. Okay students, understood all the concepts and also learned the highlighted definitions. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.